नमस्कार, सरहद के वीर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। यह वो कार्यक्रम है जिसमें युद्ध के वीरों से आप सीधे जुड़ते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी। राहुल जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के इस कार्यक्रम में। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद हम कहीं मैनहट्टन वगैरह में बैठे हुए हैं। जी सर, मैं एक्चुअली वहीं दर्शकों को भी पता है मैं कहाँ हूँ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज होंगे करगिल युद्ध के हीरो मार्च रघुनाथ नामदियार, पीडीएसएम, एडीएसएम, पीएमएल और एडीसी। रघुनाथ सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम में। हमारे लिए तो सम्मान की बात है सर कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ रहने में। अच्छा जी सर, सो दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रघुनाथ नामदियार वो लड़ाकू पायलट हैं जिन्होंने देश और निर्देश बम गिरा कर समूचे परिदृश्य को पलट दिया था। करगिल के युद्ध की बात कर रहे हैं और कैसे मुमकिन हुआ ये सब, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नामदियार सर मौजूद हैं। तो आपसे बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी भारतीय वायुसेना के वो दिलेर जाबाज जिन्होंने करगिल युद्ध की दिशा और दशा बदली। जी हां, वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे रघुनाथ नामदियार 1999 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के वो बहादुर सिपाही थे जिनका नाम सुनकर दुश्मनों के आज भी पसीने छूट जाते हैं। मिराज 2000 को हवा में उड़ाते, आसमान से लेजर गाइडेड बम गिराने वाले वह वीर सिपाही जिनके अचूक निशाने से दुश्मन थर्रा उठे थे। 24 जून वह तारीख जब टाइगर हिल पर इन्होंने गोले दागे तो भारतीय थल सेना विजय पथ पर निकल पड़ी। करगिल युद्ध की वीडियोस यही बताती हैं कि उनके गिराए बम से घात लगाए पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया हुआ था। एयर मार्शल रघुनाथ नामदियार के हवाई हमले से दुश्मन की सांसें थमने लगी थीं। समूचे टाइगर हिल पर अफरा तफरी मच गई थी। 26,000 फीट की ऊंचाई पर हवा की तूफानी रफ्तार से जब मिराज को संयमित करना मुश्किल था, तब भारतीय वायुसेना के इस जोशीले सैनिक ने बिना वक्त गवाए विमान को काबू में लिया। पाकिस्तानी सैनिकों के हमले से खुद को बचाते हुए ऐसा दाव चला कि दुश्मन नेस्तनाबूत हो गए। करगिल की उन मुश्किल चोटियों पर शत्रु की नापाक साजिशों को तबाह करने वाले रघुनाथ नामदियार की जाबाजी के साथ युद्ध में उनके जुगाड़ भी बहुत मशहूर हैं। देखिए, इनिशियली तो हम एक रिएक्शनरी मोड पे थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि क्या एक्चुअली हो रहा था। हमें तो इतना बहुत कम जानकारी थी तब। मैं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ दोज डेज इन मे 25th, 26th के टाइम पे आर्मी ने एयरफोर्स को बोला था कि तकरीबन 15 मार्च को बताया था कि कुछ घुसपैठियाँ अंदर घुसे हुए हैं और कुछ पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं और उसके कारण उनका जो आर्टरी फायर जो उन लोग डायरेक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी के साइड से काफ़ी एक्यूरेट हो रहा था और एक रेडियो स्टेशन जो कारगिल में था उसको उड़ा दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद कुछ हमारे जो एम्यूनिशन डिपो थे वो भी आग लग गया था। ऐसा कुछ माहौल सा काफ़ी सीरियस था, जैसे कि आज अभी लद्दाख में हो रहा है इसी तरह का माहौल था। ज़्यादा जानकारी नहीं था कि किस चोटी के ऊपर कौन और कितने लोग थे, आर्मी को नहीं मालूम था। और आर्मी ने एयरफोर्स को रिक्वेस्ट किया था कि हमें इन सबको मार गिराने में
एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। तो इस तरह का माहौल था जब हमें बताया गया कि हमें आगे जाना पड़ेगा। एयरफोर्स का कहना था कि ये जो सिनेरियो था ये एस्केलेटरी हो सकता है, अगर एयर पावर भी ऐसे माहौल में यूज़ किया जाए तो इनवेरिएबली एयर पावर जो है उसका जो उसके जो सीमा को नहीं देता कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, एस्केलेशन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी फुल फोर्स का जंग छेड़ने का चांसेस थे। इसके कारण एयरफोर्स दो दिन में पूरा डिप्लॉय किया, एज इफ वी वर गोइंग टू वॉर विद पाकिस्तान इन टोटैलिटी, नॉट अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट लाइक व्हाट कारगिल वाज, बट रादर अ फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट वेयर वी वुड टेक देम ऑन फ्रॉम राइट फ्रॉम द रन ऑफ कच राइट टिल सियाचिन। दैट इज द सॉर्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट विच द एयरफोर्स डिड। आई एम श्योर द नेवी डिड द सेम एंड प्रोबेबली द आर्मी ऑल्सो were exactly focused towards that. जबकि conflict तो strict हुआ था typically 100 kilometers के सरहद पे, एक तरफ तुर्तुक और दूसरी तरफ जोजिला पास, इस इलाके में जहाँ सबसे बड़े हमारे तरफ से सबसे बड़े कस्बे जो कह सकते हैं कारगिल था, द्रास था और दो तीन बटालिक मुश्को नाला, ऐसे ऐसे जगह थे, काफ़ी डेंजरस से इलाके थे, वेरी पुअर कम्युनिकेशन लाइंस, रोड्स थे ही नहीं, लोगों को तीन या चार दिन चलना पड़ता अपना पहला रोड हेड पहुंचने के लिए, तो काफ़ी मुश्किलों में ये ऑपरेशन हुआ है। तो प्लानिंग तो क्या बताऊँ, प्लानिंग तो हो नहीं पाया, शुरू हो गया था जंग विदाउट मच प्रिपरेशन। आर्मी के जो डिप्लॉयमेंट थे वे कुछ स्पार्स थे, कुछ लोग जो थे सियाचिन से नीचे आके वापस जा रहे थे अपने प्लेन्स में फॉर पीस टाइम डिप्लॉयमेंट, उनको रोका गया था, उनको क्विकली विंटर क्लोथिंग दिया गया था और उनको फिर से वापस बॉर्डर पे तैनात किए गए थे। तो एयरफोर्स का जो प्लानिंग था वो फुल फ्लेज वॉर का प्लानिंग था और वो हमारा सेट प्लेस प्लानिंग होता है जो हम मंथली बेसिस में रिवाइज करते रहते हैं कि करेंगे क्या अभी अगर अब छोड़ जाए तो उसी तरह का जो मंथली या सेमी एनुअली प्लानिंग जो होता है उसी को हमने यूज़ किया। और सारे जहाज जो थे हमारे, हम तो सेंट्रल एयर कमांड में थे जो कि इलाहाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और हम ग्वालियर में बेस्ड थे, मेरा जिसके जो फ्लीट्स थे, तो हम सबको स्ट्रेट अवे हमारे जो ऑप्स लोकेशन जो कहते हैं ना जहाँ से युद्ध लड़ी जाती है, हम सबको वहाँ भेज दिया गया और हम सब पहुँच गए आदमपुर, अम्बाला, सिरसा और जोधपुर। उन दिनों में मिराज के यही चार ऑप्स लोकेशन थे और हम सब वहाँ तैनात हो गए और जो भी आना था हम उसके लिए तैयार थे। तो तकरीबन प्लानिंग तो फुल स्केल जंग की थी और कारगिल के लिए स्पेसिफिक कुछ प्लान नहीं था, कुछ प्रैक्टिस भी नहीं था क्योंकि ये जो एरिया था काफ़ी इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट था उसको उधर आगे पीछे मूव करने। तो नामिया सर, आप जो मैं जो ऑपरेशन की बात कर रहे थे ये डिफिकल्ट कह रहे हैं और ऐसे में जब आर्मी जहां नहीं पहुंच पा रही है वहां पर एयरफोर्स की मदद ली जाती है और इसके बाद जो एक एयरफोर्स का अभियान होता है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो आपने सोचा था एयरफोर्स का कहना था कि हेलीकॉप्टर को वहाँ यूज़ करना ठीक नहीं है क्योंकि माउंटेन्स में जो होता है ना विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है और एनिमी को बहुत दूर से दिख जाता है कि कोई जहाज आ रहा है उनके पास। तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमें उनके जो कवरेज था उनके वेपन्स के कवरेज के उसके बाहर रहना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसके कारण टेरेन को अगर देखा जाए जो चोटियां थे वो सब 5000 odd meters के थे, 5100 like Tiger Hill जो था वो 5062 meters के थे, roughly about 16500 feet अगर आप फीट में देखें। तो ये ऐसे इसी टेरेन में जब सोल्जर ऊपर एनिमी सोल्जर जब ऊपर चढ़ा रहता है अपने स्टिंगर मिसाइल या जो भी मैन पोर्टेबल मिसाइल जो उनके साथ रहता है तो उसका एनवेलप थोड़ा ऊपर चला जाता है क्योंकि वो एसेट इज हाइट पे है, उसके ऊपर वेपन का एनवेलप है अनदर 10,000 फीट, तो रफली अबाउट
8 किलोमीटर तक मिसाइल पहुंच सकता है, तो हमें इम्पोर्टेंट था कि हमको 8 किलोमीटर अबाउ सी लेवल ऑपरेट करने की जरूरत थी। हेलीकॉप्टर वो कर नहीं पाता था क्योंकि हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम सीलिंग अबाउट 6 किलोमीटर होता था, और वो उसका जो हेलीकॉप्टर का जो प्रेजेंस था वहाँ उसके लिए कोई डेंजरस था। तो ऐसा देखा जाए तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी डिड नॉट फील दैट इन एनी विच वे वी हैड अंडर एस्टिमेटेड इट। वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम द एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट पुटिंग द हेलीकॉप्टर देयर वॉज नॉट अ गुड आइडिया, इवन दो द आर्मी वॉज वेरी क्लियर दैट दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम। बट हमारे जो क्या बोलते हैं एयर पावर के नॉलेज थी और हमारे जो ज्ञान था और हमारा जो एक्सपीरियंसेस थे, इसी कारण हमने उनको एडवाइस किया था हमारे चीफ ने और बाकी लोगों ने कि ऐसा ही करो, मगर वो माने ना, और ऐसा हुआ कि हमने हेलीकॉप्टर को वहाँ पहुँचा दिया, मगर वो इट वॉज विदाउट आवर यू नो ट्रू वी आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद सच अ थिंग। एंड श्योर इनफ इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द वॉर वी लॉस्ट अ हेलीकॉप्टर विद 4 पीपल ऑन बोर्ड, एंड आफ्टर दैट we said okay we have listened to you, now we will do it the way which we are trained to do, which our knowledge and our experience and our skill tells us to operate in a certain fashion. ye dekhiye aisa us jagah ka kuch sop nahi tha, ye abhi on the fly hame manage karna tha ki is terrain mein kya kare, is agar aise sort of kya bolte situation ya scenario mein hame kya karna chahiye। तो हमारा जो जो इनोवेटिवनेस और जो जुगाड़ कहते हैं ना, वो ऑन द फ्लाई होना था कि हमको जैसे कि तैसे मिले, कैसे द सिचुएशन था उसी तरह से रिएक्ट करना था, तो हमने उसी ऐसे ही किया। उसके बाद आपको ये जो जंग जो छिड़ी थी हमने एयरफोर्स ने, इट स्टार्टेड फ्रॉम द 26th ऑफ मई, नॉट 26th ऑफ जून बट 26th ऑफ मई, एंड फ्रॉम द 26th ऑफ मई ऑन 27th वी लॉस्ट 2 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, एक MiG-27 जो एक्चुअली इट वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, द सेकंड वाज अ MiG-21 व्हिच वेंट हार्म्स वे ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर द MiG-27 हैड क्रैश्ड, इट गॉट शॉट एट एंड इट द पायलट एजेक्टेड, स्क्वाड लीडर अजय आहूजा जो थे और वो कैप्चर हो गए थे और प्रोबेबली ही वाज शॉट बाय द पाकिस्तानीज इन एन अटेम्प्ट टू सॉर्ट ऑफ कीप हिम डाउन, एंड ऑन द 28th वी लॉस्ट दिस हेलीकॉप्टर्स। बट आफ्टर दैट for the next 50 days as long as air power was there, we never lost any more aircrafts, because now we knew exactly what we should be doing to make sure that we are safe and at the same time hit them, which is most more important than actually staying safe. ek sawal man mein aa raha hai marshal ki, ek to ye ki shuru mein army ne bina air force ki salah mane jo kaam kiya uske karan hamara nuksan hua, aur isse kya ye matlab hum nikal sakte hain ki शुरू में कोऑर्डिनेशन बेहतर होता और एयरफोर्स की प्रोफेशनल सलाह मान ली गई होती तो हमारा वो शुरुआती जो नुकसान हुआ 2-3 एयरक्राफ्ट का एक तरह से हेलीकॉप्टर को मिला के वो बच सकता था। हाँ, हेलीकॉप्टर बच सकता था, जो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो नुकसान हुआ था वो तो इनएविटेबल था ही। एक तो टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण हुआ था, क्योंकि जो जहाज जो थे ना MiG-27, उसको अगर आपने गन या रॉकेट फायर किया हाई एल्टीट्यूड से, उसका इंजन फ्लेम आउट होने का या इंजन फेल होने का संभावना था, पर जोश में होश खो गया पायलट और गलती से अपना गन फायर किया उस एल्टीट्यूड पे, और उसी कारण इंजन का फ्लेम आउट हो गया। फ्लेम आउट जो है इंजन फेलियर जो होता है उसी का सॉर्ट ऑफ। तो आपने भी अभी कहा और श्वेता ने सबसे शुरू में ही कहा था जुगाड़, तो हाँ। आपको श्रेय दिया जाता है कि आपने वो जुगाड़ किया था जिसके कारण ये जीत हासिल हुई और निर्णायक जीत हासिल हुई, तो आपका वो जो जीत था वो नुकसान को फायदे में और जीत में बदलने के लिए निर्णायक साबित हुआ, तो वो क्या था? और पहले जिस तरह के डम बॉम्ब्स का इस्तेमाल आप कर रहे थे उसमें आपने जो लेजर वाला वो जो लगाया, वो विचार कैसे आया और वो क्या ठीक एग्जैक्टली क्या था? देखिए, लेजर वाला जो सिस्टम है ना, उसमें दो चीज होते हैं, एक तो लेजर गाइडेड बॉम्ब और दूसरा लेजर डेजिग्नेशन पॉड। दोनों की जरूरत पड़ती है जहाज में, अगर आप एक लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराना चाहते हो, उसको एक्यूरेटली ट्रैक करना चाहते हो और उसको एक्यूरेटली हिट करना चाहते हो। ऐसा हुआ कि
जब जब जंग छेड़ा 1999 मई 26 को जब एयरफोर्स इंडक्ट हुआ, तब हमारे पास जो थे वो जो बॉम्ब्स थे वो बहुत ही छोटे क्वांटिटी में थे, लेस देन 61 बॉम्ब्स इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, एंड वो बड़े बड़े बॉम्ब्स थे, वेरी वेरी बिग बॉम्ब्स, देवेर समथिंग ऑफ द रीजन दोज डेज अबाउट 2.5 crores ईच. Today's 2.5 crores this is not as much as 2.4 crores 20 years 21 years ago. Bilkul. And those bombs were 1000 kg bombs. They were designed for bursting dams and bridges, all strategic targets which they're on the enemy side. To hame us aise wale bombs ko reserve karke the aur hame is tarah ka sort of jung mein jo limited conflict kiya ja sakta hai wahan aise bade bombs use karna thoda impractical tha, kyunki agar फुल स्केल वॉर अगर हो जाए तब हमें ये बॉम्ब्स खत्म हो जाते थे. तो इसी कारण हमने सोचा था कि ऐसे बॉम्ब्स यूज ना करें और कोई कुछ करें. अब ऐसा हुआ था कि दो साल पहले इससे हमने अमेरिका से कुछ बॉम्ब्स खरीदे थे, सेम लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, छोटे हाफ साइज के अगर कहे तो, जो 1000 kg बॉम्ब्स थे ये 1000 pounder बॉम्ब्स थे आधा रफली. एंड मगर जब बॉम्ब्स तो खरीदे थे हमने 1997 में, जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया था पोखरण में, अमेरिकन ने हमने सैंक्शन किया था और उसके कारण वो जो बॉम्ब्स जो आए थे इंडिया तक उसको मेट करके उसको फिट करके उसको सेट करके बनाया, पूरा सेट बनाने में उसमें पाबंदी लगी हुई थी और अच्छा। हमारे पास बॉम्ब्स थे मगर वो फिटेड नहीं थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स थे उसमें. दूसरी बात रही लेज़र डेजिग्नेशन पॉड, ये जो बॉम्ब्स थे हमारे जो एग्जिस्टिंग लेजर डेजिग्नेशन पॉड उसके साथ बात नहीं करती थी, प्रॉब्लम थी. वाइल जो हमने 1997 में इसराइल से 15 लेजर गाइडेड पॉड्स लेजर डेजिग्नेशन पॉड्स खरीदे थे, वो आए तो थे कॉन्ट्रैक्ट के बाद मगर वो भी जहाज में डालने में यू नो जनरली टाइम लगता है, 1-2-3 साल लग ही जाता है क्योंकि अच्छा। इसका सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट चेंजेस अपग्रेड बग्स सबको फिट सेट कराना है, सिस्टम को सेट कराने में इतना टाइम लगी जाता है और वो सब काम चल रहा था जब जंग शुरू हो गया. तो हमारे जो लोग थे, हमारे जो टेक्नीशियंस थे, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, इसराइल के वाले एक्सपर्ट भी सब लोग आ गए थे इधर, उन लोग सब ग्वालियर में आए थे, हमारे एक्सपर्ट्स भी वहीं थे ग्वालियर में और उन लोग सब एक साथ मिल जुड़ के एक पूरा नया एक सिस्टम बनवाया जिससे कि हम हमारे जो लोअर कॉस्ट बॉम्ब्स हैं इस टारगेट्स में और इस तो आपके पॉड और बॉम्ब एक दूसरे से बात करने लगे ताकि आप उनको गाइड कर सके. ठीक है, एब्सोल्युटली वो तो एक दूसरा जो है हमारे पास कोई डम बॉम्ब्स भी नहीं था मिराज के लिए. मिराज जो था वो जहाज परचेज किया गया था फॉर प्रेसिजन स्ट्राइक विथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एंड ऑल्सो फॉर एयर डिफेंस. Air defense meaning to make sure that no other enemy aircraft can come into our territory. Mirage ka focus wahi tha. Ab is war mein to enemy aircraft to the nahi. Hame enemy troops ko marna tha. To hamare paas dumb bombs bhi nahi the. Fortunately for us, aisa hua tha ki hamare inventory mein Ajit aircraft hota tha, jo un dinon mein phase out ho gaya tha. Ajit. Ajit jo hai wo HAL made ek aircraft hai jo NAT jo aapne famous suna hai NAT. नेट का एक नया डेरिवेटिव था जो इंडिया में लाइसेंस मैन्युफैक्चर हुआ था HAL बेंगलोर में. उस जहाज के साथ भी हमने कुछ डम स्पेनिश बॉम्ब दिए थे जो कि स्टोरेज में था मगर एयरक्राफ्ट तो चला गया था, एयरक्राफ्ट वाज नो लॉन्गर इन आवर इन्वेंट्री बट दोस बॉम्ब्स वर देयर इन स्टोरेज. बॉम्ब्स हैव गॉट लॉन्ग लाइफ, दे लिव फॉर दे आर देयर फॉर 40 इयर्स और मोर. सो अच्छा, तो दीस बॉम्ब्स द डम बॉम्ब्स जो बोलते हैं हमें जिसके कुछ गाइडेंस नहीं होता है उसको ड्रॉप करने को हम कहेंगे बुद्धू बम. बिल्कुल, हिंदी में वैसे ही तर्जुमा होगा अनगाइडेड बॉम्ब्स जो कि अगर ड्रॉप किया तो ग्रेविटी को फॉलो करके गिरता जहां उसको पॉइंट किया गया होता है उसको हम डम बॉम्ब कहते हैं. वो थे नहीं हमारे पास तो कहीं ना कहीं से वो जो सारे जो स्पेनिश बॉम्ब्स थे अजीत के लिए जो स्टोरेज में थे वो और हर जगह से खींच के हमारे यहाँ पहुँचा दिया गया. और क्योंकि Yeah, these are challenges which are there invariably in any scenario. Whenever you get into war, you will never find everything in the perfect order which you thought it was. Because, you know, there are so many small, hundreds and thousands of small things which has to be looked at. Because they were
designed for something else, but you have a different requirement. And that requirement is a variable. We have to be always ready to be quick on the uptake and quick in thinking and quick in grasping the situation and taking action as per what is required to make it, you know, win. That was the most important thing in this such a scenario. So, जो आपके जुगाड़ की बात होती है सर, कि आपने बहुत आपके जो जुगाड़ है वहाँ बहुत मशहूर हुए, so वो हम चाहेंगे कि कुछ आप बताएं इसके बारे में। देखिए, मेरा जुगाड़ जो था, अगर मुझे उसको जुगाड़ कहें तो हमारे पास roughly about 300 Spanish bombs ही थे, और वो भी बहुत ही जल्दी खत्म हो गए। सो जुगाड़ ये था कि हमें और कोई बॉम्ब जो एयरफोर्स में ज़्यादा प्रिवलेंट हो उसको मिराज में लगाएं, और मिराज का जो कॉन्फ़िगरेशन या स्टोर स्टेशन है जहाँ बॉम्ब लगता था वो उस बॉम्ब से थोड़ा कम था वजन में, इन कैपेसिटी। सो टू डेवलप फर्स्टली टू फिट द बॉम्ब देयर टू मेक श्योर दैट द एयरक्राफ्ट काफ़ी स्मार्ट है, अगर और कुछ भी डाल दे उधर तो बोलेगा कि ये सही नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं स्टार्टअप नहीं करूँगा। Aircraft is also very smart. You know, it checks for whatever is the stores in the station, and if it is not in its list of cleared stores, it tells you no. Oh. In electronic format, it tells you wrong, error. कुछ गलत अगर action किया aircraft के किए बाहर से, the aircraft tells you no. So firstly, you have to fool the aircraft. You have to make sure that the aircraft feels it is the right thing which is being put there when actually it's the wrong thing. We don't have the time to change the software of the aircraft, because for that we'll have to go back to France, and it would have been a very tedious process, and it would have taken maybe 1 or 2 years to happen, and we didn't have time. So what we had to do was firstly to fool the aircraft to realize that this bomb which you're putting it is a cleared bomb, it's acceptable to it. It was not, because of the weight was almost double what it was cleared for, and we had to now brief the pilots also to tell them how to fly with this bomb, because dekhiye इसके आधे साइज के बॉम्ब में फ्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उसका डबल साइज का अगर करें तो उसका सीजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है, एयरक्राफ्ट के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, ये सब ब्रीफ करना पड़ता है पायलट्स को, और ताकि वो प्रिकॉशंस ले, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जो है तो मेरा जो फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट है, और उसको अगर आप कुछ चेंज किए तो उसका रिएक्शन आउटसाइड द एनवेलप हो सकता है, तो ये सब ब्रीफिंग की जरूरत थी, सबको ट्रेनिंग देने की जरूरत थी, क्योंकि हमारे कोई भी पायलट्स कोई भी डम बॉम्ब गिराए नहीं थे, लेजर गाइडेड बॉम्ब बस एक गिराया हुआ था, वो भी एक पायलट जो था हमारे पास, मगर एक ही पायलट ने बॉम्ब एक लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराया था, क्योंकि इतने कम क्वांटिटी में थे, जस्ट 61 ऑफ दीज बॉम्ब्स वर अवेलेबल। सो यू रियलाइज द सिनेरियो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट वाज एंड यू कैन नॉट यूज इट फॉर ट्रेनिंग, वी वर डूइंग व्हाट इज कॉल्ड डमी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एज इफ we were carrying the bomb, training as if we were dropping it, but actually we were just doing dummy. Do it in simulators. That's right, something similar to simulator, but we could do it with the aircraft also by flying, going to the target and doing turns and everything as if the bomb was on board, and the aircraft allowed you to simulate that bomb in the aircraft too. So this is how it was progressing. Now we had a new scenario, we had some new bombs. Jugaad isme tha ki logon ko train karna tha, unhone kabhi bhi ek bar अपने एयरक्राफ्ट से कोई बॉम्ब गिराया नहीं था, तो इट्स एवरीथिंग वाज एन न्यू एक्सपीरियंस। सो द चैलेंज वाज यू आर इन अ एरिया व्हिच इज डिफेंडेड बाय द एनिमी, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड यू आर डूइंग इट विद पीपल हु हैव नॉट बीन ट्रेन्ड। फॉर्चुनेटली हमारे पास हमारे तरफ तीन टेस्ट पायलट्स थे जो बाय ट्रेनिंग आर यूज्ड टू डूइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट मच वरी एंड विदाउट मच यू नो excitement training, aur aap unme se ek the, ha I happened to be one of them, there were two others also, so therefore because of that we had a advantage. aisa normally hota nahi ki teen test pilot ek hi jagah pe ek sath mile, aisa rarely hota hai, magar aisa hi hua jis isme, so you know what you can say that everything came perfectly in order to make us win this war, at least from our point of view, from the Mirage's point of view. So is bomb ke sath sabse pehli udan aur sabse kamyab udan aapne, ha bilkul, हाँ मैंने उड़ाई थी, और वो भी कारगिल में नहीं जैसलमेर में उड़ाई थी, पोखरण रेंज में। अच्छा, प्रूव करने की कि ऐसा हो सकता है, ऐसा काम कर सकते हैं, और उसके बाद ही हमने वापस आदमपुर पहुंचे वहां से ड्रॉप करने के लिए। इट हैड टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक फैशन,
पूरा तो मतलब जो एक मिनट, आपने पहले उसका अभ्यास किया यानी उसको एक बार प्रैक्टिस किया जाकर वहां पर, और उसके बाद वापस आप आदमपुर आए और फिर असली सॉटी पे गए? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पहले अच्छा पहले हमने जो ग्राउंड एडेप्टेशन था वो ग्वालियर में किए, जहाँ उस एयरक्राफ्ट का होम बेस था, वहाँ जी सारे टेक्नीशियंस थे। उसके बाद जहाज को लेके हम गए जोधपुर, और जी जोधपुर से जाके पोखरण रेंज में बॉम्ब को ड्रॉप किए और चेक आउट किया कि अगर बॉम्ब अगर ड्रॉप ना हो तो लैंडिंग बैग भी सेफ होना चाहिए। वो भी किए, पहले लैंड बैग किया सारे बॉम्ब्स के साथ। एयरक्राफ्ट में 6 बॉम्ब लग सकते लगते थे, 6 बॉम्ब आने की यू आर लुकिंग एट 3 टन्स ऑफ बॉम्ब्स, ईच बॉम्ब वॉज अबाउट 500 kgs। सो उसको उसके साथ वापस लाके लैंड करना भी काफ़ी चैलेंज था, क्योंकि हमें चेक करना था कि बॉम्ब्स सिक्योर थे, स्टेबल थे और कोई डैमेज एयरक्राफ्ट को ना हो। उसके बाद लैंडिंग करने के बाद फिर से गए, इस बार ड्रॉप किए सबको, एक्यूरेसी भी चेक किया कि कितना एक्यूरेसी मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा आगे पीछे अगर कुछ एडजस्टमेंट करना हो, वो सब हमने किया उधर। और उसके बाद स्ट्रेट अवे वी टुक द एयरक्राफ्ट एंड द वेपन्स एंड एवरीथिंग टू आदमपुर। अब ये जो 500 kg बॉम्ब, एक्चुअली 1000 pounder बॉम्ब्स जो हैं, इट इज अबाउट 457 kgs, 1000 pounds इज 457 kgs। दीज बॉम्ब्स आर वेरी वाइडली प्रिवलेंट इन द एयरफोर्स, दिस इज लाइक आवर ब्रेड एंड बटर। जैसे कि हर दिन घर में दूध आता है, इंडियन एयरफोर्स में 1000 pounder आते हैं, उतना ऐसा है। दैट इज द प्रिवलेंस, दिस अ वेरी वाइडली यूज बॉम्ब। वी हैव आई डोंट नो इन हाउ मेनी क्वांटिटीज, huge quantities of this, and they are very very capable. They are made here in ordnance factories. They are made by in khamare jabalpur ke paas ek ordnance factory hai khamaria, wahan bante ye bombs. To hamare paas bahut the, ye koi imported bomb nahi tha, aur that was a big advantage. So once we got the aircraft with capable to fire drop these bombs, I think we had a very war winning combination, and in less than about 10 days, we dropped almost 200 of these bombs. So, जो आपने बम गिराए सर टाइगर हिल पर, तो जो वीडियो मिराज थाउजेंड स्टोरीज पे उसपे दिखाते हैं कि the enemy totally lost, पता नहीं उनको क्या हो रहा है, भगदड़ मच गई। तो वो जो वीडियो था और वो जो एक आपका उस समय का बफल था, जून को हमें टाइगर हिल को अटैक करने का परमिशन मिला, और हमारे पास 2 जहाज थे जो LGB के साथ थे, और एक तीसरा जहाज जो था आदमपुर से जो हमने लॉन्च किया था मिराज 2000, तीनों मिराज 2000, उसमें हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी थे, देखने अपने आप खुद की क्या इफेक्टिवनेस था लेजर गाइडेड बॉम्ब का। सो ये 24th of June की 23rd of June के शाम को हमें पता चला कि चीफ भी फ्लाई कर रहे थे और वो अगले दिन सुबह पहुँचेंगे या पहुँच चुके थे उधर बेस में। सो हमने उसी दिन 23rd evening को ही पूरा ब्रीफिंग किया था, फॉर्मेशन का सेटअप, जो कि जोन को कौन लोग फ्लाई करेंगे, क्या लोड होगा, कैसा कितना फ्यूल लेंगे, वो सब कैलकुलेट करके हमने प्लान किया था। और मेरे साथ मेरे को पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष यादव, जो आजकल अभी इंडिगो में फ्लाई करते हैं, वो तब एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, मैं एक विंग कमांडर था, और मनीष बहुत ही स्मार्ट और केपेबल ऑफिसर था मेरे साथ। हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जस्ता था। आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल फ्लाइंग विथ हिम बिकॉज ही न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग एंड आई न्यू एग्जैक्टली वॉट ही वुड बी थिंकिंग एंड वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विथ ईच अदर। आई हैड सर्वड विथ हिम फॉर एटलीस्ट 2-3 years इन द पास्ट। सो जब हमें सॉटी में प्लान किया था, काफ़ी खुशी हुई थी। इट्स अ प्रिविलेज टू फ्लाई स्पेशली अ यूनिक मिशन which is happening for the first time in the entire Indian Air Force, where we were actually dropping an laser guided bomb on an enemy. अब तक तो हम प्रैक्टिस करते थे, बात करते थे। जी एक सवाल, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि ये जो चुनौतियां थी उस वक्त एयरफोर्स के सामने यानी आप लोगों के सामने, तो दुनिया में किसी भी एयरफोर्स ने उन चुनौतियों और उन सीमाओं के भीतर काम नहीं किया था, और ये
ये पूरी दुनिया के लिए पहली बार उस हाइट पर उस तरह के टेरेन में आप लोगों ने काम किया और कामयाब हुए, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही था, ऐसे ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो कोई भी वर्ल्ड में हो जहाँ 16,500 फीट पे कोई टारगेट लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक किया हो। फ्रॉम दैट सिचुएशन इज वेरी फेयरली यूनिक, दो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैव बीन यूज्ड वेरी वेरी ऑफन इन द पास्ट, स्पेशली बाय द अमेरिकन्स इन वियतनाम एंड ऑल्सो इन इराक, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स वेर वेरी प्रिवलेंट। 1991 के वॉर में तो लेजर गाइडेड बॉम्ब अमेरिकन्स ने थाउजेंड्स में ड्रॉप किए थे, मगर इस एल्टीट्यूड पे इस कंडीशंस में आई थिंक प्रॉब्ली वी आर द फर्स्ट ऑफ आवर टाइप टू ड्रॉप इट। तो हमारे वी वर वेरी वरिड, फर्स्टली बिकॉज एयरक्राफ्ट न्यू बॉम्ब न्यू किट अमेरिकन किट इंडियन बॉम्ब न्यू लेजर डेजिग्नेशन पॉड विच इज फ्रॉम इजराइल फ्रेंच एयरक्राफ्ट, अगर सारे एक साथ बात करते ठीक होता, all these various combinations on top of that they have an enemy also who is wanting to fire back at you, so all these combinations were something unique. Normally it doesn't happen that you have everything new and you go for war, invariably normally the scenario aisa hota hai ki aap jab jung ko jaoge na to aapke sath aapke jo weapons the wo used hota hai, you have used it, you are comfortable with it, ab naye joote pehen ke to nahi jaoge kyunki shubh hit ho sakta hai, us tarah ka mahol tha. To ye bhi ek challenge tha ki hum kuch kar rahe the jo unique tha, कुछ टेस्टेड नहीं था या ट्राइड आउट नहीं था, तो देर वॉज दिस यू नो वरी इन योर बैक ऑफ योर हेड टेलिंग यू थिंग्स माइट गो रॉन्ग, देयरफॉर बी मोर केयरफुल, एंड दैट वॉज कीपिंग अस चार्ज्ड अप, इट वॉज ऑल्सो अ चैलेंज एज वेल एज अ वरी, बोथ यू नो इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ खट्टा मीठा मिक्स ऑफ द टू, बट आई मस्ट टेल यू दैट डिस्पाइट ऑल दैट वी वर फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट the bomb, that means if we do the we were fairly confident about ourselves. I had a lot of experience on the Mirage at that time, I had almost clearing on to 2000 hours of experience, which though it looks very small if you see it as against transport aircraft or civil aircraft flying, but 2000 hours in fighter flying is equivalent to about 20,000 hours in flying any other aircraft like the Airbus or the Boeing, that's the sort of comparison. And we were very charged up, we were dressed up in very simple overall which we normally used in the planes. In that terrain actually you required to be wearing equipment which is designed for you to survive in those temperatures. It was minus 10, minus 12, minus 15 degrees in that area. But hamare paas wo jo that sort of equipment tha nahi, Adampur mein baithe, Adampur mein the na hum. So we were not having the correct sort of flying clothing also for that. So this is all the challenges which we faced, but we were sure that enemy cannot touch us because we were going to be outside his enemy bubble, and we were very charged. Ek sawal, Air Marshal, aapki umr kya thi us samay? I was exactly 40. I was about to get 40 actually. Another 3 months I would have been 40. I am 1959 born, so 1999 was exactly 40. जी so, और एक बात, एक बड़ा सवाल ये है कि उस समय भी और पूरे इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना का कोई इस्तेमाल नहीं किया? पाकिस्तान ने अपने वायुसेना का इस्तेमाल किया था पर हमारे जो वेपन्स थे तब उनके साथ उससे सुपीरियर था, वो आते थे उधर हमारे जब हम इधर इस तरफ फ्लाई कर रहे होते उधर उस तरफ को फ्लाई करते थे और हमको शेडो करते थे, मगर उनको हमसे बहुत डर था क्योंकि हमारे पास जो लंबी रीच की मिसाइल्स थे उनसे बेहतर मिसाइल्स थे उन दिनों में। अच्छा, उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल थे ही नहीं, हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे। अच्छा। जो हम कहते हैं ना आजकल बियॉन्ड विजुअल रेंज जी, तो उनको वरी था कि हम अगर उनकी तरफ पॉइंट किए तो उनका तो छुट्टी होने वाला था, तो अच्छा। बहुत दूर रहते थे और कुछ ही दिनों में उनको लगने लगा कि ये तो डेंजरस है इनके पास रहना, वापस चले गए, मगर फॉर द फर्स्ट टू वीक्स दे वेर देर, दे ट्राई टू सॉर्ट ऑफ शेडो अस फ्रॉम फार अवे, दे ट्राई टू सॉर्ट ऑफ यू नो ट्राई टू फ्राइटन अस बाय देयर प्रेजेंस, बट देन दे रियलाइज्ड वी आर नॉट गेटिंग फ्राइटेंड एंड वी वर एज इट इज स्टेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन अवर पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, सो दे डिड नॉट हैव एनी रीजन टू कंटिन्यू रिमेनिंग देयर, एंड आई थिंक दे ऑल्सो उनका भी प्रॉब्लम था
वो भी अंडर सैंक्शंस थे अमेरिकन से, उनके जो F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे थे अमेरिका से। तो दो तीन हफ्ते में उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हमारे जो स्पेयर पार्ट्स का कमी शॉर्टेज आने लग गया है, तो वो वापस जल्दी चले गए वापस अपने बेसिस में, क्योंकि उनको भी कंजर्व करना था अपने रिसोर्सेज, ताकि अगर फुल स्केल जंग हो जाए तो दे शुड हैव रिसोर्सेज टू फाइट अस। तो इस तरह दे वेर देयर बट नॉट देयर। So they tried to recapture the Tiger Hill once more after... That's right. After they lost it on the 4th of July, our Indian Army captured Tiger Hill soldiers from 18 Grenadiers and all the other regiments which were involved in this battle, they finally captured Tiger Hill. But 2 days later or 2 nights later, they did a re-attack to try and get it back. Because Tiger Hill was very crucial to them. Because sitting on Tiger Hill, you can actually see the NH-1A, which is the highway which runs from Srinagar to Leh. And all the transportation of all our logistics were mostly by that road. Air transportation also was available, but air transportation was only for stores which are very critical, or when there is no other choice but to send it by air. The sort of volume of material, the amount of trucks which move on that road is absolutely phenomenal. So it is a round the clock activity which only stops during winter months because of heavy snow and the Dojila Pass gets closed. And those days the Rohtang Pass had already been not yet opened when this war started. Right. So Rahul sir, आप नहीं, मैं समझता हूँ कि मोटे सवाल तो हो गए हैं, और जो उस समय का रोमांच रहा होगा, जो बिल्कुल एकदम नए तरह के काम करने का, नई चुनौतियों से, नए तरीकों से, नए हथियारों से निपटने का, उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और शायद ऐसे ही मौक़ों पर ये जो अपनी भीतरी हिम्मत है और साहस है वो दिखता है और वो पता चलता है आपको। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Read about it in the various forums which are available today because of the internet, I get a very rough idea of what is happening there, and I get a feeling of why aren't I there. I feel as if I am sort of not doing my duty sometimes. You're missing the action. I'm missing the action, but more importantly, I'm feeling that I'm not contributing. But I have to worry about my age. I'm 60 plus. So my days are over, right? I'm no longer 40. I'm 60 now. So I'm almost approaching 61. But the mind is still the same. The brains are as active as they were those days. Nothing has deteriorated in that. Physically, I may not have the eyesight which I had as a young man. I may not have the, the reflexes of a young person. But my brain is fully active, and I keep dreaming about the possibilities. What are the sort of eventualities? What we can do? What we shouldn't do? But I wouldn't want to double guess the existing Air Force leadership. They have been trained. If time is, then a small question. बिल्कुल. चूंकि ये जो अभी आप कह रहे थे, इसी से मुझे ख्याल आया कि क्या हमारी सेना और उसके तीनों जो अंग हैं, वो आप जैसे अनुभवी और जिनके पास ये खास अनुभव है, लड़ाई का अनुभव है, इसका रिटायरमेंट के बाद भी कुछ फ़ायदा उठाते हैं क्या? किसी रूप में आपका कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान लिया जाता है? ऐसा नहीं होता है। मगर देखिए, ये जो एक्सपीरियंस है, जो फील्ड में जो लोग हैं अभी, उनके पास नए इक्विपमेंट आ चुके हैं पिछले 20 सालों में। जो इक्विपमेंट जो इंडियन एयरफोर्स को मिला है, वो काफ़ी रिवोल्यूशनाइज किया है एयरफोर्स का फाइटिंग का जो तरीका है, जो आज है, वो 20 साल पहले वैसा नहीं था। हर इक्विपमेंट जो नया आता है, हर आदमी का जो ट्रेनिंग होता है उस इक्विपमेंट पे, उस सबको अगर आप देखा जाए तो आजकल के मैं जब जंग को देखता हूँ, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मेरा जो एयरफोर्स था, वो जब मैं फील्ड में था 20 साल पहले, उसके उसके जो इक्विपमेंट थे और उसके जो टेक्निक्स थे, वो बदल चुके हैं।
मगर इमेजिनेशन का कोई हद नहीं होता, हम तो सोचते रहते हैं कि हम कैसे लड़ाई करें। द फैक्ट इज आई मे बी आउट ओल्ड फैशन, आई मे बी थिंकिंग द रॉन्ग थिंग। आजकल का जो इक्विपमेंट है, जो जिसमें मेरे पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, ऐसा रॉन्ग है कि हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। हाँ, कॉन्सेप्चुअली इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, आई एम श्योर काफ़ी थिंक टैंक्स है दिल्ली में और इर्द गिर्द में, काफ़ी वेटरन्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और सोशल मीडिया में भी, और आपके टीवी चैनल में भी काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट आते हैं और बताते हैं कि किस चढ़ी किस छोटी पे चढ़ना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए। एडवाइस तो बहुत फ्री मिलता है। मैं सोचता हूँ कि आपको बिल्कुल हंसी आती है उनको सुनकर। बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। उनका टाइम, उनका नंबर आया था पहले, अभी नंबर नहीं आएगा, तो बैठ के देखिए कि हमारे लोग कैसे फाइट करते हैं, उनको एनकरेज कीजिएगा, उनको अगर कोई किस तरह से हेल्प करोगे, अपने कंट्री को अच्छी तरह देखभाल कीजिएगा, एंड वेट फॉर देम टू विन द वॉर एंड मेक इट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। उनको सलाह मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। दे आर केपेबल, इफ यू हैव ट्रेन्ड देम वेल, दे विल फाइट एग्जैक्टली द वे यू वेर और बेटर। So that is what you should console yourself. You should not start, you know, double thinking or outguessing how they should fight the war, because you don't know their worries, you don't know their problems. You are out of the loop. So stay out of the loop, but encourage them and say all the right things, and don't start criticizing them on every short, you know, idhar udhar chota mota kuch issues aa jaye. Yeah, if you come to know also something because of your past knowledge that some there has been a few failures. And there are a few successes as well. So you should encourage them rather than talking about anything wrong. बहुत अच्छी, बहुत समझदारी वाली बात आपने की। मैं आशा करता हूँ हम कि जो ये तमाम विशेषज्ञ आ जाते हैं वो शायद आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। I don't think they'll listen to me because they think they know more than me and they know more than all of us. So that is the way life is, I guess. वो तो है, वो तो है। नाम्या सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, and so much information we had today. Thank you very much for hosting me, and very happy to be with you this evening. Thank you, Marshal Dambiar. Thank you. We learned so much from you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे लूंगी इजाजत, कल फिर मिलूंगी आपसे 12:30 बजे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।